तड़का में आप सबका स्वागत है। हमारी चिरंजीवी तिकड़ियां और कुमारी हंसी के परिणय बंधन में बंधने के शुभ अवसर पर आपको और आपके परिवार को हम सादर निमंत्रण देते हैं। इस कॉमेडी विवाह मंडप में एक पंडित से तो काम चलेगा नहीं, तो हम दो लेकर आए हैं। ओम हस्याय नमः, ओम दहाड़ाय नमः, ओम अर्चनाय नमः। अर्चना पूरन सिंह, वेलकम। और इस विवाह मंडप के दूसरे पंडित हैं कॉमेडी एक्शनाय नमः, भारती स्मिता और टीना के प्याराय नमः, रोहिताय नमः, रोहित शेट्टी। आज के शो से डिसाइड होगा कि अगले हफ्ते हमारे सेमीफाइनल्स में कौन पहुंचेंगे। चलिए आज की शादी के शुभ कार्यक्रमों की शुरुआत करते हैं। यहाँ भी एक बहुत ही सभ्य और सुशील लड़की की शादी है, तो देखते हैं इनकी शादी में कौन कौन आया है अपनी फोटो खिंचाने। प्लीज वेलकम सुदेश, कृष्णा एंड मिलिसा। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी शादी पे आए, वरना आजकल कौन आता है बिन बुलाए। जिसको नहीं आना चाहिए था वो आ गए, और जिसको आना चाहिए था वो कहाँ रह गई। ये देखते रह दूल्हा। इसके साथ मेरा सुखी संसार कैसे होगा? इसके साथ तो मेरा दुखी संसार होगा। क्यों? इसका तो कद भी छोटा है। और जिसका कद छोटा होता है ना, उसका तो दिमाग भी छोटा होता है। कहाँ थी तू इतनी देर से? पता है मैं कब से खड़ा हूँ? हाँ तो आते ही तेरा लेटने का मूड बनाऊं कुतरिया। क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, देखो लड़ना बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम खानदानी बंदे हैं। जिंदगी में बस इज्जत कमाई है, एक मेरी बेटी है और शायद तू तीसरा मेरा जमाई है। बेटी ये तीसरा ही है ना? आपने तो तीन ही करा था, बाकी मम्मा ने ना। बाकी तो कहाँ है? नहीं वो शादी से पहले तो टच में थे, तलाक के बाद वो पता नहीं लिंक तोड़ दिया, पता नहीं बुरा मान गए वो। वैसे तुम्हें मेरी लड़की पसंद तो है ना? अरे ससुर जी, अगर ये मुझे पसंद ना होती तो इससे शादी करता क्या? नहीं नहीं नहीं, पसंद तो इसको बहुत लोग करते हैं, शादी कोई नहीं करता था। एक बात बताऊं, मेरी बेटी तुम्हें सुखी बहुत रखेगी, बहुत खुश रखेगी तुम्हें। मुझे नहीं लगता ये मुझे खुश रख पाएगी। ये पूरे मोहल्ले को खुश रखती हूँ मैं। तू तो फिर भी 4 फुट का है। हे भगवान, मैंने किस खानदान में शादी कर ली? खानदान का नाम मत लेना। मैं देखो हम बड़े खानदानी बंदे हैं, खानदानी, दान लेके खाया कभी आज तक भीख नहीं मांगी। रोशनी तुम्हें पता है ना, कल मैंने तुम्हें कितने सच्चे दिल से छेड़ा था, जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा आगे से मैंने छेड़ा नहीं ना छेड़ा। पा, अभी तुम जाओ ना। हाँ, तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना है, किसी को छेड़ ना दीजिए। क्या? अरे कैसा बाप है तेरा? ये वाला तो फिर भी ठीक है। ये तेरा बाप नहीं है? माँ ने तो इसी को बताया था। देखो हनीमून पे कहाँ जाना है? इस बार ना अपन लोग हनीमून बेडरूम में ही मनाएंगे। हा? नहीं, क्योंकि बाहर जाते तो खर्चा वर्चा बहुत होता है और पुलिस कभी भी रेड मारती है, मेरे को बहुत डर लगता है। छोड़ से, छोड़ छोड़। ओ यार तू तो ऐसे गुस्सा कर रहा है जैसे मैंने तभी पुरानी बीवी की पप्पी ली नहीं। पुरानी बीवी। डार्लिंग ये मजाक कर रहा है, कॉमेडी कॉमेडी। गलत ना समझो, मैं इसका दोस्त हूँ, दोस्त है। हाँ ये मेरा दोस्त है। ओए सुन, ये तेरी भाभी है, दूर से है, दूर से भाभी है। चलो 4 पैसे लगे, चीज अच्छी बन गई। माई सेल्फ बिट्टू बच्चन। बच्चन साहब इधर आइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ना पहले सिर्फ आना था, पहले लोग मुझे देख के ऐसे बोलते थे ए आना आना। फिर अभी पिछले हफ्ते मैं एक पार्टी में फेमस होने गई थी। अच्छा। जैसे ही मिक्का ने मेरी पप्पी ली तब से मेरा नाम अनामिका हो गया। अच्छा भाभी एक फोटो हो जाए, फोटो।
मुझे फोटो खिंचाने का कोई शौक नहीं है। कमाल कर रही हो, पहले तो 3-3 मिनट की मेरे साथ वीडियो बनवा लेती थी, अब 3 सेकंड की फोटो नहीं खिंचवा सकती। अबे अपनी भाभी को छोड़, ये बता मेरी भाभी कहाँ है? अच्छा, वो आजकल बड़ी बिजी है, कहती तुम शादी पे चली जाओ और मैं तलाक पे चली जाऊंगी। क्या वो यार भड़कता क्यों है? 4 दिन की बात है, तलाक तो होना ही होना, इसने टिकना नहीं। यार मेन काम तो मैं भूल ही गया, शादी का मौका है। 500, ये लो। अरे इसकी क्या जरूरत थी? नहीं मुझे खुले चाहिए, मैंने रास्ते में क्वार्टर लेना है। ए, खुला खुला क्या करता है? जब दीपा बार में आता था तब भी खुले पैसे नहीं थे तेरे पास, आज भी खुले नहीं है। ज्यादा खुला खुला बोलेगा ना तो खोल के रख डालूंगी तेरे को। चल ये कैसे कैसे दोस्त पाल रखे तुमने, साला पैसे भी नहीं दिए और एंजॉय करके चला गया। मेरे दोस्त कितने अच्छे मालूम है, कभी कभी मेरे साथ एंजॉय भी नहीं करते फिर भी पैसे देके जाते हैं मेरे को। हाँ दिवाली पे, ओकेजन पे। मैं तुझे इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि कभी तुझे ऐसा प्यार किसी ने ना किया हो। हट, पप्पू से ज्यादा प्यार थोड़ी कर पाएगा। पप्पू 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 मेरा तीसरा सच्चा प्यार था। He was only 69 year old. वो बेचारा प्यार करते 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 मर गया। ये जो मेरी बहन है ना, बड़ी बहन जैसी है मेरी, लेकिन लगती मुझसे छोटी है। ये जो एक बात कहूँ, हाँ आप मुझे बड़े अच्छे लगे हो, बड़े अच्छे लगे शक्ल से भी। और जो पहला जीजू था ना वो बिल्कुल नहीं अच्छा था। कौन सा वाला? वो रोहित शेट्टी। हाँ मैंने एक बार ना आधी रात को मेरे कमरे में आ गया। क्या? नहीं नहीं गलती से, क्योंकि हम दोनों बहनों की शक्लें नहीं ना मिलती। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा मैंने बाहर निकाल दिया सुबह। ये क्या कह रही है? मैंने तुमको कहा था ना ये जो मेरी बहन है ना, बड़ी बहन जैसी है मेरी, लेकिन लगती मुझसे छोटी है, लगती मुझसे छोटी है, लगती। कि तुम्हें एक बात कहूं, हम कुछ भी नहीं थे, हमारी दीदी ने हमें पाल पोस के जवान किया है। हमारी दीदी ने हमारे लिए इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है बैंकॉक में। बैंकॉक में क्या करती थी तू? सैंडविच 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 खा के बेचारी मेहनत करती रही, रोटी के पैसे बचा के हमारे लिए अपना दहेज बनाती रही। जीजू वादा करो शादी के बाद मेरी बहन को कभी तंग नहीं करोगे, जब भी तंग करना होगा मेरे पास आओगे। और तुम्हारी दीदी? उसकी कोई बात नहीं, वो जुगाड़ू है। अरे फिर तो क्या बात है, वैसे भी तू मुझे ज्यादा पसंद है, आजा जाने फुट। चल फुट इधर से। अरे तुझसे अच्छा तो मेरा पुराना पति सही था, अच्छा है उसने मेरे को डिवोर्स नहीं दिया। चलना अर्चना पूरन सिंह। तो कृष्णा के लेटेस्ट पति आपको कैसे लगे अर्चना जी? 3 पागल इंसान अगर एक साथ मिल जाएं तो वो क्या कर सकते हैं। वंस अगेन आप तीनों ने ये साबित किया कि कॉमेडी के लिए हमारे यहाँ कभी कभी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती। नॉर्मली कृष्णा सुदेश एंड मेलिसा योर एक्ट्स आर वेरी वेरी थरो एंड वेरी वेल प्रिपेयर्ड, तो इसमें हल्का सा अनप्रिपेयर्डनेस लगा मुझे, लेकिन उसके बावजूद द स्ट्रेंथ ऑफ दिस एक्ट इज अगेन द मैडनेस। कृष्णा जितना भी आपका इसमें योगदान था उस विद इन दैट पैरामीटर यू आर अगेन फैंटास्टिक। मेलिसा लॉट ऑफ एनर्जी एंड सुदेश you're always too funny, so all in all not one of your best but a very enjoyable act. bahut kam aise actors hote hain ki are ye weak script hai lekin inko de do ye log perform kar lenge. yeah to aap tino wo hai aur krishna I think you are one of the best actors we have. meri film mein kaam karoge kya yaar? are ye ab to main pakad lunga aapko. fantastic performance also. तो अर्चना जी कितने नंबर देंगे आप इन्हें? 9 पॉइंट्स। आई आल्सो गिव अ 9 एंड 9 पॉइंट्स। ये हिंदुस्तानी मिडिल क्लास जब शादी करते हैं तो शादी के साइड इफेक्ट्स को कंसीडर नहीं करते। अब इन्होंने लोन लेकर शादी तो कर ली, मगर रिकवरी के लिए जब एजेंट आया है तो देखिए क्या मांग रहा है। Please put your hands together for our wild card trio, Rajiv Nigam, Vikrant and Rashmi. Hello.
सोच समझ के जिसने ना की शादी उसने जीवन बिगाड़ लिया, और सोच समझ के जिसने की शादी उसने क्या उखाड़ लिया। शादी के पहले हर इंसान अमेरिका की तरह अकड़ा रहता है, और शादी के बाद बगदाद और इराक की तरह हो जाता है। डेली बम फटते लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। कहाँ मर गए? देखा फटा बम। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, यहाँ खड़े रहके क्या कर रहे हो? अरे घर का सारा काम तो कर दिया, झाड़ू पोछा बर्तन, तुम्हारे पैर भी तो दबा दिए। मेरे पैर? मैं तो घर पर थी नहीं, फिर तुमने किसके पैर दबाए? तो फिर पैर नहीं दबाए होंगे। आज हमारी शादी की बरसी है। अच्छा, तभी इतनी जोर से बरसी है क्या? नहीं मतलब उसको बरसी नहीं कहते हैं, एनिवर्सरी कहते हैं। जानू, मेरा गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट? अब मैं क्या आ, भूल गए ना? जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अजीब औरत है, गिफ्ट ना दो तो मुंह फुला लेती, और गिफ्ट दे दो तो। शादी के 5 साल में 6 गिफ्ट दे चुका हूँ, और कितना चाहिए? मैंने तो तुमसे शादी से पहले ही कह दिया था कि मुझे पूरे 1 दर्जन बच्चे चाहिए। बच्चे चाहिए कि केला खरीदने आई है तू? अरे 12 बच्चे चाहिए तो किसी ठेकेदार से शादी करती, या बड़ा काम ठेके पे ज्यादा ठीक रहता है? कम से कम आज के दिन तो ऐसी बातें ना करते। करम जले कमीने नस पीटते। करम जले कमीने नस। आज या तो मैं नहीं, या फिर मैं ही नहीं। ए भगवान, इस औरत को उठा क्यों नहीं लेता? ए, सब सही है, दूध दही है, मावा मस्का है, आप पगारे 160 खाने वाले आटे, जिंदगी वाट है। ए, ये रहमानी कीड़ा कहाँ से आ गया इधर? चड्डा यहीं पे रहता है क्या? नहीं नहीं, चड्डा रहता था लेकिन चड्डा अब चड्डी बन चुका है। अच्छा, तो तू ये चड्डी? हाँ भाई, तेरी बीवी को उठाने आया लाओ। ए, क्यों उठाने आए बे? अपनी शादी के लिए तू मेरी बैंक से लोन ले ला था ना? अब बैंक से आए? अच्छा अच्छा, पहले क्यों नहीं बताया? बैठिए, क्या लेंगे, चाय ठंडा गरम? गरम लूंगा। हाँ तो लीजिए। अरे 1 मिनट, गरम सुना, हाँ तो लीजिए, जा चाय बना जा करके। ए, मैं तेरे घर पे चाय भी पीने को नहीं आया हूँ, समझा? तो फिर क्यों आया है? तेरी बीवी को उठाने आया हूँ, चल। ए, ऐसा कैसा बीवी को उठाएगा? बैंक का उसूल है, अगर तू पेमेंट नहीं करेगा ना तो माल जब्त हो जाता है। देखा, तुम तो मुझे कुछ नहीं समझते, हट नास पिट्टे, लेकिन बाहर वाली तो मुझे माल समझते हैं, माल। 1 मिनट, माल समझते हैं? माल? ये वो वाला माल नहीं, दूसरे माल की बात कर रहा है। और तू ये बता भाई, है माना कि लोन लिया, लेकिन घर में ऐसा कैसा घुसा है डायरेक्ट? अभी तक तो मैं सिर्फ तेरे घर में ही घुसे लाऊ, समझा? अगर लोन नहीं भरेगा ना है तो कुछ नहीं, तेरे को कोरट में घसीटूंगा, और क्या। अच्छा तो चले गए, ले घसीट घसीट वो सब बाद में होगा, समझा? पहले तेरे घर में मुस्टंडे आएंगे। मुस्टंडे? चल हाथ ताश पीटे, मुस्टंडे कब आएंगे? 1 मिनट, मुस्टंडे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? मैं लोन भर दूंगा। मैं क्यों भरोगे? मतलब कौन से भरोगे जानू? वो रमेश है ना, अपना दोस्त। हाँ? पिछले साल बैंक वाले उसकी गाड़ी उठाने आए थे ना। हाँ? तब मैंने उसे 50,000 दिए थे। तुम उसकी गाड़ी भी तो चलाते थे। ये तुम दोनों के फालतू बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तू चल मेरे साथ। एक मिनट, एक काम करते हैं, हम लोग बैठ के कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जानू, तुम कॉम्प्रोमाइज कैसे करोगे? मैं हूं ना। और चलो चल। एक मिनट, ऐसा कैसा लेके चल देगा यार? जब तू पेमेंट नहीं कर सकता है तो लोन काय को लिया? तो फोन काय को किया? डेली फोन करता था, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। क्योंकि तभी तू लोनली फील करता था, इसीलिए। लोनली फील करता था, अब तो लोन लिया फील कर रहा हूँ ना मैं। ये तू चुप और तू चल, मुझे पता है ये लोन नहीं भर पाएगा। लोन कहाँ से भरू? शादी के बाद से तो तुम्हारी गोद भरने में लगा रहा, लोन कब भरू मैं? भाई साहब देखिए, ये बताए कितने पैसे हुए इसके? 3 लाख। 3 लाख ना? हाँ 3 लाख। कितना हुआ? बोला ना तेरे को 3 लाख। 3 लाख ना? हाँ ठीक है, लेके जा चल। अरे इससे अच्छा तो तुम मुझे जुए में हार जाते। एक अकेला आदमी तो होता, यहाँ तो पूरे बैंक का स्टाफ होगा। मुझसे अच्छी तो द्रौपदी थी। नहीं नहीं, द्रौपदी से अच्छी हो तुम। क्यों? पता नहीं, वहाँ पे 100 कौरव थे, यहाँ पर बैंक में 15-16 लोगों का स्टाफ है,
आधे तो छुट्टी भी रहते हैं और आधे रिटायरमेंट के कगार पे एकदम बेचारे। सरकारी बैंक है ना? सरकारी बैंक है। हाँ भाई ठीक है, ले दे के काम निपट जाएगा। एक मिनट, ऐसे कैसे ले दे के काम निपट जाएगा? एक मिनट, फाइनली ले जाना है ना, मैं जरा मैनेजर से बात कर लेता। मैंने कर लिया। हाँ? रोज करती हूँ। हाँ? उन्हीं ने भेजा है। ये मैनेजर, और तू जा कलम जली, चली जा इसके साथ। चल चल। थैंक यू डार्लिंग, आई लव यू। इससे अच्छा तरीका नहीं था मेरे हस्बैंड से छुटकारा पाने का। चल चल चल। थैंक गॉड चली गई। इससे अच्छा जुगाड़ नहीं था अपनी कलम जली पत्नी से छुटकारा पाने का। आ जा, ये 3 लाख हीरो का हार लोन लेके तुम्हारे लिए लिया है। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। तो अर्चना, अच्छा लिखा गया और बहुत ही कंप्लीट एक्ट था, इसमें कहानी टाइप थी, लेकिन आई थिंक बियॉन्ड डाउट जो सबसे ज़्यादा उभर कर इस एक्ट में आया वो परफॉर्मेंस थी। राजू, यू गेट 100/100 फॉर योर परफॉर्मेंस, फैंटास्टिक। एंड रश्मि एंड विक्रांत, आई थिंक इन दिस परफॉर्मेंस यू गॉन ट्रिमेंडसली हाई इन योर परफॉर्मेंसेज, बोथ ऑफ यू ऑल्सो फैंटास्टिक। राजीव, यू आर अ फैबुलस एक्टर, आई वुड से। विक्रांत एंड रश्मि, इवन यू ऑल वर वेरी गुड। खाली मेरा ये कहना है, एक सुर नीचे हो जाओ, बस वन स्टॉप डाउन जहाँ कॉमेडी है ना, वरना क्या लाउड हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा हल्का सा अंडर प्ले करते ना तो और वो निखर के आता कैरेक्टर। ओवरऑल इट वॉज अ वेरी नाइस एक्ट, वेरी वेल परफॉर्म। चलिए तो रोहित, कितने नंबर देंगे आप इन्हें? आई गिव यू 8। 8 पॉइंट्स। अर्चना 9। 9 पॉइंट्स। लड़के के बाप को लड़की से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आइए देखते हैं क्या लड़के और पहलवान लड़के और लड़की की शादी होगी या नहीं। प्लीज वेलकम शरद, भारती एंड परेश। अरे वाह डैडी पापा वाह, आप मेरे लिए माल आ रहे हैं। अरे तेरी माँ पा की डीवीडी नहीं है बेटा, जो कहीं से उठा लाऊं। मैंने अपने लिए बहू ढूंढी है, बिल्कुल अमिताभ की बहू की तरह। आई नहीं डैडी पापा, मैं शादी नहीं कर सकता। ये बात अब बता रहा है बेटा? पहले बता दिया होता तो डॉक्टर से चेकअप करवा लेते बेटा। अरे वैसे नहीं डैडी पापा, मैं सिर्फ उसी लड़की से शादी करूंगा जिसे मैं बचपन से प्यार करता हूँ। तू बचपन से प्यार करता रहा और मैंने कभी देखा नहीं? डैडी पापा ये प्यार है, प्यार कोई सुसु नहीं है जो आप मुझे करते हुए देख लो। कैसी है वो? मेरा प्यार इतना खूबसूरत है, इतना नाजुक है डैडी पापा, आप देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। और मेरा प्यार बड़ा भी हो गया है। आ जाओ जानू। प्रेजेंटिंग 8,000 pounds फ्रॉम द पंजाब कॉर्नर, भारती सिंह। हे भगवान, ये कैसा चंबा, बहू मांगी थी आ गई हिडिंबा। डैडी पापा आप मेरे प्यार के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकते, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। बेटा तुम क्या क्या करती हो? पापा जी सुबह सुबह उठती हूँ, 10-20 लीटर दूध पीती हूँ, फिर 25 परांठे और फिर नाश्ते में एक बढ़िया। बस बस बेटा, तभी मैं सोचूं देश में अनाज का इतना अकाल क्यों पड़ा हुआ। ओए गुड्डू, बापू की तरफ क्या देख रहा है? चल शादी करनी है, खाना सजा हुआ है, पंडित जी वेट कर रहे। चल अरे अखाड़े में शादी। ओहे पापा जी, पहलवान लोग हैं, सारे काम अखाड़े में होते हैं। क्यों अर्चना? मैं अपने बेटे की शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? भी अभी अभी छोटा छोटा बच्चा है। भी छोटा है तभी तो करनी है, इसको एक बार प्यार कर दिया हफ्ते भर की छुट्टी। और पापा जी
मैं इंतजार करूंगी, अगर 2-3 साल में इसने मेरी गोद भर दी ना तो ठीक है, वरना फिर इसको ही गोद ले लूंगी। ओए 2-3 साल बाद तुझे ये मिली कहाँ? अरे पहलवान लोग कहाँ मिलते हैं डैडी पापा, अखाड़े में। मैंने तुझे अखाड़े में कुश्ती के दांव पे सीखने भेजा था और तू यहाँ मोहब्बत के पेश आ रहा था। डैडी पापा वहाँ सब पहलवान लोग मुझसे डंबेल्स के बजाय लंगोट उठवाते थे। तभी तेरी पर्सनालिटी भी लंगोट की तरह हो गई है। बेटा इस बला का पीछा छोड़ और किसी नाजनीन से नाता जोड़। देखो रोशनी डैडी पापा। बेटे के कान क्या भर रहे हो, इधर हटो। भी मैंने इसे अपना दिल दिया है, जब मैं ये 2.5 किलो का दिल किसी को देती हूँ तो वो प्यार करता नहीं, कर बैठता है। क्यों बैठ गया ना? बेटा यहाँ जा, मर जाएगा। हेल्प। ओए इधर आ। अरे इधर। ओहो। अरे क्या कर रहे हो आप लोग, मैं भी पहलवान हूँ। सीरियल की टीआरपी नहीं हूँ जो ऊपर से नीचे कर रहे हो। अरे इसका चक्कर छोड़, किसी लड़की से चक्कर चला, तेरे लिए लड़कियों की लाइन लग जाएगी। ओए गुड्डू के बुड्डू। ये गुड्डू है कोई राहुल महाजन नहीं, जिससे शादी करने के लिए लड़कियों की लाइन लग जाएगी। तुम्हें पता है मेरे बाप का नाम दारा सिंह है और मेरे भाई का बिंदु, और अभी उसने एक शो में 1 करोड़ जीता है। ढंग से बात करो, दहेज बहुत मिलेगा। तू इससे शादी करके साबित क्या करना चाहता है? मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ डैडी पापा कि मैं सिर्फ छोटा मोटा नहीं, बड़ा काम भी कर सकता हूँ। और डैडी पापा मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ। ये लंबी रेस का घोड़ा और ये घोड़ी, तूने क्या सोचा, रब ने बना दी जोड़ी? डैडी पापा आप मेरे प्यार का मजाक नहीं उड़ा सकते। ऐसी लड़की से शादी कर रहा है जिसका प्रोफेशन कुश्ती है। ओए बुड्ढे, प्रोफेशन जो मर्जी हो, शादी के बाद हर आदमी कुश्ती करता है। मैं तेरी शादी से नहीं करूंगा, ना मुझे लड़की पसंद है और ना ही इसका खानदान। खबरदार जो मेरे खानदान के बारे में कुछ बोला तो। भी बड़ी पुरानी परंपरा है हमारे खानदान में, जब मैं 8 साल की थी तो मेरी दीदी मेरे जीजू को उठा के लेके गई थी, और आज वो परंपरा फिर से दोहराई जाएगी। अर्चना दीदी आशीर्वाद दो। चलो। अरे गुड्डू, अरे गुड्डू, गुड्डू। अर्चना दीदी आपको कैसी लगी इनकी भारी शादी? आई थिंक वो जो फिजिकैलिटी पर को लेकर जो आप लोगों ने सिंक्रोनाइज परफॉर्मेंस की, धड़ाम इधर से उछलना, और दैट वाज वेरी गुड। आई थिंक अपना जो साउंड डिपार्टमेंट है यहाँ पर, जो बैंड है, दे डिड अ फैबुलस जॉब, सो द सिंक्रोनाइजेशन वर्क्ड वेरी वेल। 3 ऑफ यू परफॉर्म्ड फैंटास्टिकली। इस बार भारती से ज़्यादा परेश का इम्पैक्ट था। पता नहीं किसी ने शायद नोट नहीं किया होगा, ये पूरे एक्ट में इसने अपना नी बेंड करके रखा हुआ था, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। इसने अपना एक हाथ टेढ़ा करके रखा हुआ था, विच इज़ अगेन वेरी डिफिकल्ट। कई बार होता है कि सीन वर्क नहीं करता है या सीन लिखा हुआ उस लेवल पर नहीं पहुंचता है, कोई किसी से भी हो सकता है, बट अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो फिर क्या करें। आई विल गिव यू मार्क्स जस्ट फॉर योर परफॉर्मेंस परेश। थैंक यू। चलिए तो अर्चना कितने नंबर देंगी आप इन्हें? 8 points. रोहित परेश दिस इज फॉर यू फॉर योर हार्ड वर्क। 9 points. थैंक यू। और फिर हमारा ग्रैंड फिनाले। वैसे बसंती की उम्र सेमीफाइनल्स की कगार पर आई है, मगर उसकी मौसी इस बात को नजरअंदाज कर रही है। बसंती मौसी को रिक्वेस्ट करिंग, मौसी लड़के सजेस्टिंग, देखते हैं बसंती किसको सिलेक्टिंग। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर राजीव, स्मिता एंड सलोनी। क्योंकि मेरी मौसी को मेरी शादी की फिक्र तो है ही नहीं।
भागती रहती है अब, पर मैं अपनी मौसी से शादी के बाद करके रहूंगी, मैं हिंट देती हूँ। देख लो अर्चना, इसे कुछ भी बना दो ओवर एक्टिंग तो कर ही लेती है, क्योंकि ओवर एक्टिंग देख रही है, ओवर होती हुई उम्र नहीं देख रही। बेटी उम्र की तो मुझे भी चिंता हो रही है, ना जाने कब बुलावा आ जाए। मेरी अर्थी उठने से पहले मुझे अपनी टोली उठवानी चाहिए। मासी, यूं की शादी की उम्र तुम्हारी है या मेरी? बेटी, शादी के लिए उम्र नहीं, चांस की जरूरत होती है। तुम्हें पता है इस गांव में कोई है जो मुझसे अंधाधुंध प्यार करता है? किसने बुलाया हमें? इधर से खुशबू आ रही है बेटी। एक तो चाचा मामा के इतने रोल करा दिए, मुंह से बेटी ही निकलता है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो तू इस अंधे से शादी करेगी? अरे कौन कहता है कि मैं अंधा हूँ? अरे दिखता है मुझे, ये सामने दो मर्द बैठे हैं। अरे उनमें से एक औरत है। तो इसकी दाढ़ी क्यों उग रही है? अरे वो नहीं, दूसरी वाली औरत है। तो इसकी क्यों नहीं उग रही है? तू पसंदी से शादी करेगा, तू तो उसे फिल्म भी नहीं दिखा सकता। अरे चुप कर आंटी, फिल्म तो मैं दिखाऊंगा थिएटर में, ये फिल्म देखेगी, मुझसे जो होगा देखी जाएगी। बुड्ढे, मुंह में दांत नहीं और चला है मुझसे शादी करने। अबे इसे कोई समझाए शादी में दांतों की क्या जरूरत। तू पसंदी से शादी करके क्या करेगा? आज पूछूंगा खुदा से कि शादी के बाद कुछ करना जरूरी होता है क्या? मासी, तुम्हें पता है एक लड़की ऐसे अंगड़ाई कब लेती है? मुझे पता है, तू टांगा चलाते चलाते थक गई है। मैं कब तक सिर्फ टांगा चलाते चलाते ही थकूंगी? बेटी, अब तो तूने पायलट बनने का कोर्स तो किया नहीं, वरना तेरे लिए एक जहाज खरीद लेती। मौसी, एक बार मेरी शादी करा दो, फिर देखना, उसे जहाज की तरह नहीं चलाया तो मेरा नाम भी बसंती नहीं। किसे? अब उसकी तारीफ में क्या क्या कहूँ, वो तो सूरमा है सूरमा। आये तुमने पुकारा और हम चले आए रे जान हथेली पे। ठेली, ये तो ठेले का माल है रे भैया। तुझे यहाँ पर किसने बुलाया? तू जाके लकड़ी बेच। लकड़ी? अरे लकड़ियों में अब मजा नहीं आता, जब से बसंती को नहाते हुए देखा। निथर नहारी थी तू कल मुही? नहीं, मैं नहारी आता, बसंती जा रही थी, बसंती को नहाते हुए देखा। आवाज तेरी नेपाली जैसी है, सूरमा वाली आवाज निकाल। यानी आवाज तो हमारी ऐसी है कि हम बड़े बड़े शेरों को थर थर कपा दे। भाई क्या कह रही हो? अरे तुझे कह रही है चूहा, चल अब निकल यहाँ से। अरे ऐसा क्या, इसने हम में देख लिया, चूहा बोल दिया। अरे खंबा उफाड़ के। हाय 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 हाय, कैसे कैसे बूढ़े आ रहे हैं। अगर तू रोशनी जैसे कपड़े पहन लेती तो जवान लड़की तेरी बहाने मुझ पर लाइन मार लेते। ठाकुर साहब, आप तो गब्बर को मार चुके हैं ना, अब तो जूते से कीले निकलवा लीजिए। नहीं, इन कीलों से मैं कुछ आता हूँ। ठाकुर साहब, पर आप यहाँ आए कैसे? हाथ कटे हैं मेरे पैर, नहीं चल के आया हो हाथ मांगने। हमसे क्यों मांग रहा है, हमने काटे तेरे हाथ। मैं तो यार रिश्ते की बात चलाने आया था। मौसी, यूं कि तुम क्यों शर्मा रही हो? ठाकुर साहब तो मेरी शादी की बात कर रहे हैं।
ठाकुर साहब, सुरेंद्र की तरह आप भी मेरे पिता समान हैं। सच कह रही है बेटा, लेकिन ये तेरे पिता समान नहीं, मौसा समान है। यूँ क्या मतलब? मतलब बहुत साल पहले मैंने सोचा था कि मौका मिलेगा तो सारी जिंदगी एक दूसरे की बाहों में गुजार देंगे। आज मौका मिला है तो बाहें बाहें नहीं है। चल मौसी। मौसी? अरे फिल्म में तुम्हारा कोई नाम नहीं था, मुझे भी मौसी कहना पड़ रहा है। चल। क्योंकि ये तो कमाल ही हो गया। देखने वाली बात ये है कि बात चल रही थी मेरी शादी की और मौसी मौसी रुक जाओ, तुम्हें धनों की कसम। किसी की भी कसम ले लो, लगेगी नहीं, क्योंकि हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की, ये कसम हम तो मर के ना तोड़ेंगे हम। बाय मौसी। जोरदार तालियां सलोनी राजीव अस्मिता के लिए। अर्चना, इस एक्ट में मुझे बसंती भैया ये हल्की सी अंग्रेजी एक्सेंट बोलने वाले, बसंती बहुत अच्छी लगी थी। और राजीव, पहली बार मैंने सूरमा भोपाली ऐसा सुना और देखा जो सुनील शेट्टी की आवाज में बात करता है। और ये मौसी ऐसी थी जो बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन ऐसी चंचल और मतलब ईगर टू गेट मैरिड मौसी थी। एक बहुत ही यूनिक फ्लेवर था इस एक्ट में। वेरी नाइस एंड सलोनी, यू आर ऑलवेज माइंड ब्लोइंग। रोहित, आप लोगों ने जो भी किया बहुत अच्छा किया। और जैसे अर्चना जी ने कहा सलोनी के लिए, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ कि शी हैज गॉट गिफ्ट। आई विश आई वर्क विद यू समडे। जल्दी से नंबर दे दीजिए। अच्छे अच्छे नाइन नाइन पॉइंट। आई ऑल्सो गिव अ नाइन नाइन पॉइंट। पा अमित जी की निकल पड़ी है तो अब वो सोच रहे हैं कि अभिषेक और ऐश की शादी दोबारा करवाए, और इस बार लगता है कि वो सबको बुला ही लेंगे। देखते हैं कौन कौन आएगा इनकी दूसरी शादी में। स्वागत कीजिए जिमी, टीना और सूरज का। अभिषेक अभिषेक अभी अभी बड़े भैया अभिषेक की मालिश कर दी है, उसको नहाने के लिए भेज दिया है। हम सोच रहे कि दूसरी शादी करें। इस उम्र में आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, आप अपनी रेखा पार ना करें। हम अपनी शादी की नहीं, अभिषेक की शादी की बात कर रहे हैं। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या बड़े भैया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐश्वर्या के साथ ही उसकी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। पिछली बार शादी में हमारा कितना सारा खर्चा करा दिया, अभी और करवाइएगा। इस तरह की बकवास मत करो, वरना आज रात की पार्टी में मैं तुम्हें लेकर ना जाऊंगा। ऐसा मत कीजिएगा बड़े भैया, यही पार्टी में जाने के लिए तो हमने वो पार्टी छोड़ी है। तो भी ठीक है ठीक है, एक काम करो, पूरे बंगले में झाड़ू पोछा कर दो। ये हमसे नहीं होगा बड़े भैया। तो फिर चलो अभिषेक की फिल्म द्रोणा देखते हैं। झाड़ू कहाँ है बड़े भैया? बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले हैं। द्रोणा? भैया द्रोणा फिल्म से हमको बहुत फायदा हुआ है, हमारे बंगले का मेंटेनेंस में बहुत फायदा होता है। अबे walk and talk. अभिषेक, don't check. बात सुनाई? Yes पा। हम सोच रहे हैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दे। लेकिन पा, मैं ऐश से बहुत खुश हूँ। हम ऐश्वर्या के साथ ही तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। लेकिन क्यों? वो क्या है कि पिछली बार कई लोग शादी में आ नहीं पाए थे। नहीं, आपने बुलाया नहीं था, इसीलिए कह रहे हैं। अब बिग बॉस का पैसा भी आ गया है, पा भी बहुत चल गई है, स्पॉन्सर भी मिल रहे हैं, सोच रहे इस बार इंडस्ट्री के सभी लोगों को बुला लिया जाए। एक मिनट, मैं पहले ऐश से पूछ तो लूं। ऐश, तुम्हारी कहाँ सुनती हो? बिल्कुल नहीं सुनती, मैं बुलाता हूँ, एक आवाज में आ जाएगी। ऐश, देखा आ गई। हाय हाय, पा ने हमारे लिए कुछ प्लान किया है। यस डैड।
ओ बेटा तुम आ गए, मुझे तुम्हारी एक डेट चाहिए, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा। दोबारा शादी क्यों? बेटा वो क्या है कि जो फिल्म में पिट जाती है उसको नए गाने से फिर से रिलीज किया जाता है। हम सोच रहे कि इस बार शादियों पूरी इंडस्ट्री को बुला ले, गेस्ट लिस्ट बनाते हैं, सबसे पहला नाम किसका हो? ए फॉर अमर सिंह अंकल। बेटा गेस्ट वो होते हैं जो बाहर से घर में आते, ये तो घर से बाहर ही नहीं निकलते। धर्म जी, धर्म जी शराब खाने के पैकेज में ही है, अब बुला लीजिए। हाँ। लेकिन 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 सिर्फ धर्म जी लिखना, विद फैमिली मत लिखना, पूरा गांव आ जाएगा। शाहरुख खान है ना आमिर खान, फिर इसको कौन पूछेगा? आई पूरी मीडिया उनके पीछे लग जाएंगी, खाएंगे हमारा और अपनी फिल्म की पब्लिसिटी करके निकल जाएंगे। करिश्मा कपूर वो तो उससे शादी करने के लिए नहीं आई, तो तेरे शादी में क्या खा खाएगी? तो रोहित शेट्टी एंड अर्चना। हाँ। नहीं बेटा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे शादी में कोई आके बेमतलब का ठहाका लगा के चले जाए। हेलो या कौन था? कौन है? पा माँ का फोन था। क्या कह रही थी? वो यहाँ आ रही है। एक मिनट, ये शादी का खेल यहीं पर बंद करते हैं। तुम अपने काम में बिजी हो जाओ, मैं भी अपने काम में बिजी हो जाता हूँ। मैं भी अपना काम कर लेता हूँ। अबे तेरे पास काम है ही कहाँ? जा तू कहीं छुप जा, कहीं छुप जा। लेकिन क्यों पा? अरे वो फिर से इधर आएगी, फिर से कुछ ऐसे बकवास कर देगी, बाद में हमको भुगतना पड़ेगा। जल्दी से नंबर दे दिए, नहीं तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। जोरदार तालियां जिमी, टीना और सूरज के लिए। रोहित आपसे शुरुआत करेंगे। जब यू वर कमिंग जिमी, तो मुझे लगा कि कुछ नया होगा। जिस कैलिबर के आप एक्टर है उस कैलिबर का मुझे परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दिया, ना ही सूरज में ना ही टीना में, एंड ओवरऑल एक्ट क्या था समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि अच्छा दोबारा शादी है तो शायद जो गेस्ट हैं वो आप यू विल टेक ओवर के अलग अलग आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो यू विल डू सम काइंड ऑफ मेमोरी मिमिक्री और समथिंग। इट वाज, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, आई एम सॉरी। अर्चना, माय व्यू इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम रोहित। दिस एक्ट अगर ये खड़ी भी हो सकी है तो आप लोगों की परफॉर्मेंसेस की वजह से। आई गिव यू 6, आई गिव यू 7। 7 पॉइंट्स। ये पड़ाव ऐसा है जैसे शादी के पहले तलाक, यानी एलिमिनेशन। इतने हफ्ते कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करने के बाद आज सेमीफाइनल से ठीक पहले दो तिकड़ियों को एक बार फिर से आमना सामना करना होगा, और आज की डेंजर जोन में आने वाली पहली तिकड़ी है जिमी, टीना और सूरज आप, और दूसरी तिकड़ी है विक्रांत, रश्मि और राजीव आप। आप तीनों में से कौन आएगा? मैं आता हूँ। तो सबसे पहले अपनी तिकड़ी को बचाने आ रहे हैं राजीव, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। आजकल जितने भी भैया लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको लग रहा है कि अब मराठी सीखनी चाहिए, ये बहुत अच्छा समय है। अब मराठी इन लोगों ने सीख ली अपने आप को सेफ करने के चक्कर में। मराठी सीखने के बाद अब ये शाम को आपस में चौपाल में बैठते हैं, बात कैसे करते हैं? आवा हो शुक्ला बसाई कड़ा काल तुम्ही दिसला नहीं काल तुमची आई हमरे घरे आई रही भेटा भेटा हे माझे ताऊ गांवाला ताऊ इकड़े भाऊ। सरनेम भी बड़े खतरनाक होते हैं। आप पार्टी में जाइए तरह तरह के सरनेम मिलेंगे। एक मैडम भी मिलती है जो सबका इंट्रोडक्शन कराती रहती है, मीट मिस्टर तलवार, मिस्टर कटारिया। ऐसा लगता है कोई लफड़ा फड़ा कराने जा रही है। शोभा दे मनोहर ले ले किसी ने पूछा मैडम कौन है जो सबका इंट्रोडक्शन करा रही है, तो किसी ने बताया सीस तल्ला दलाल। जोरदार तालियां हो जाए राजीव के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अब सूरज, जिमी और टीना की तिकड़ी को बचाने आ रहे हैं जिमी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। फिल्मी सितारे फिल्मों में कम एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर हेमा मालिनी, अपने ज़माने की ड्रीम गर्ल, ऐसा लगता है सेल्स गर्ल बन गई है।
हेमा जी बेटी बच्चे भाग कर आते, मम्मी के रूम में गुलाब कैस्पर, मेरे रूम में चंदन कैस्पर और पापा के रूम में बैग पेपर। एक मरीज डॉक्टर के पास पहुंच गया बड़ी बुरी हालत में ऐसे। डॉक्टर ने बोला क्या हुआ आपको? नहीं मामूली सा कमर दर्द था। मामूली सा कमर दर्द? पूरा कमर टूट चुका आपका, किया क्या? नहीं मामूली सा कमर दर्द था, किसी ने मुझसे कह दिया मुंह लगा, मैं मुंह लगा रहा था। जितनी दुकानें उतनी एडवर्टाइजमेंट, लेकिन एक दुकान है जो सदियों से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, वो है अंतिम संस्कार के सामान बेचने वालों का। उनका ऐड कभी नहीं आता है, उनका ऐड आएगा तो कैसा आएगा? एक औरत रो रही है, मेरी सास मर गई, घर पर कोई नहीं है, मैं अकेली कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? पीछे से अमीन सैनी की आवाज, कहाँ जाएगी देवी जी, हमारे दुकान में आई। बाम्बू वे त्रेडी वाला अंतिम संस्कार के सामान की दुकान, सस्ते दामों पर अच्छे क्वालिटी के कफन के कपड़े, शॉल, मोमबत्ती, अगरबत्ती, मटका। मुर्दे को हमारे पास लाइए या हम मुर्दे के पास आएंगे, फ्री होम डिलीवरी। मुर्दे को ऐसा सजाएंगे, ऐसा सजाएंगे कि रोने वाले भी कहेंगे भाई राम नाम सत्य तो है लेकिन मुर्दा भी बड़ा मस्त है। थैंक यू, जोरदार तालियां हो जाए जिमी के लिए। थैंक यू जिमी। आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग प्लीज यहाँ पे आ जाइए। दोनों में से एक ही तिकड़ी बच पाएगी सेमीफाइनल्स तक जाने के लिए। कौन सी है वो तिकड़ी जिसका छूट जाएगा साथ? जिमी, टीना और सूरज, आपको अर्चना ने दिए 9 पॉइंट्स, रोहित ने दिए 9 पॉइंट्स और आपको हमारी ऑडियंस ने दिए 8 पॉइंट। विक्रांत, रश्मि और राजीव, आपको अर्चना ने दिए 10 पॉइंट्स, ऑडियंस ने दिए 9 पॉइंट्स और रोहित ने दिए 10 पॉइंट्स। इससे आपका टोटल होता है 29। आप सेफ हैं, कंग्रेचुलेशंस, आप लोग जाके बैठ सकते हैं। जोरदार तालियां विक्रांत, रश्मि और राजीव के लिए। जिमी, टीना, सूरज, आप लोग सेमीफाइनल्स में नहीं पहुंच पा रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जाने से पहले क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच जजेस, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। फाइनल में रॉक कीजिए। मेरे लिए पहली बार ये सब एक्सपीरियंस है और मज़ा इस बात का था कि यहाँ पर आने के बाद अलग अलग टीम्स होने के बावजूद भी सब लोग एक ही टीम थी। जिमी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये आदमी इतना पॉजिटिव है कि अगर नेगेटिव सोचना भी चाहो तो ये सोचने देता नहीं है। आई रियली एंजॉयड द होल जर्नी, थैंक्स सो मच। 18 सालों से स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ, अकेले सोच रहे हैं और दुनिया भर घूम रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टीम वर्क, मतलब टीम के साथ काम करने का ये पहला एक्सपीरियंस है मेरा, तो क्रिएटिव टीम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा और थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले आज के कोहिनूर ट्रू फनी मोमेंट्स पर डालिए एक नजर। जो पहला जीजू था ना वो बिल्कुल नहीं अच्छा। कौन था? कौन सा वाला? वो रोहित शेट्टी। हाँ, मैंने एक बार ना आधी रात को मेरे कमरे में आ गया। क्या? मुझे इतना गुस्सा चढ़ा मैंने बाहर निकाल दिया सुबह। मैंने तुमको कहा था ना कि जो मेरी बहन है ना बड़ी बहन जैसी है मेरी, लेकिन लगती मुझसे छोटी है, लगती मुझसे छोटी है, लगती। वो चार तिकड़ियां जिन्हें आप देखेंगे अगले हफ्ते हमारी सेमीफाइनल में। जोरदार तालियां इनके लिए। अगले हफ्ते सेमीफाइनल के फेस्टिवल स्पेशल में कौन क्या रंग दिखाएगा ये तो आपको अगले हफ्ते ही पता चलेगा। देखना मत भूलिएगा कोहिनूर फूड्स प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस 3 का तड़का। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.